एंड ये इजेक्ट आके उसको डैमेज कर रहा है, तो हमको हमारा सैटेलाइट को बचाना है, नहीं तो आपका जो भी फोन का सर्विस बंद हो जाएगा, टीवी का सर्विस बंद हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप डिलीवरी नहीं होगा। हाँ, जीपीएस लेके आप गाड़ी चलाते हैं, जीपीएस यू नो सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। तो सैटेलाइट को बचाना एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आजकल हो गया है। इसीलिए कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? या this is actually a movie taken from Parker Solar Probe. Again, this is another NASA satellite. आप देख सकते हैं Parker Solar Probe is actually traveling much closer to the sun. We are not going that close. Actually, we have already reached the sun. We are not traveling beyond. तो ये Parker Solar Probe से आप देख सकते हैं कि ये जो इजेक्ट हमें सन से आ रहा है, बोल रहा हूँ, वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो obviously satellite तो उतना दूर नहीं जाएगा, बट हमारा अभी काम है कि जब वो इजेक्टर सन से निकलता है कितना टाइम वो लेगा, उसका कितना एनर्जी होगा, उसमें कितना पार्टिकल होगा, उसका पहले से अंदाज करने का। एंड वो अंदाज हमको होगा सही तरीके से, तो हम बोल पाएंगे ये सैटेलाइट को उस दिन उस टाइम में ये सैटेलाइट को इसको हिट करेगा। जैसे हमारा वेदर फोरकास्टिंग होता है, आज अभी नया सब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं स्पेस वेदर। स्पेस में वेदर कैसा है? अच्छा, शुरू में अभी आप सुन रहे थे अंतरिक्ष में हम अब जाना है, उसका भी शांति चाहिए। तो ये शांति विघ्नित होता है जब सोलर स्टॉर्म आता है, तो उसके लिए ये सब मिशन बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इज कॉल्ड द स्पेस वेदर। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर में हमारा कम्युनिकेशन सब कुछ आयनोस्फीयर के ऊपर डिपेंड होता है, बिकॉज यहाँ से हम लोग सिग्नल भेजते हैं, सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होके वो नीचे आता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एज आई सेड इज बैडली डैमेज बिकॉज ऑफ द सोलर स्टॉर्म। आजकल लोग अंतरिक्ष में टूरिज्म के लिए भी सोच रहे हैं, तो मिस्टर एक्स, आप लोग तो सब मिस्टर एक्स को जानते हैं, मिस्टर एक्स सोच रहे हैं कि वेल चांद में कॉलोनी बनाएंगे, बट वो चांद में कॉलोनी नहीं बना पाएंगे जब तक उनको मालूम नहीं होगा जब सोलर स्टॉर्म आना वाला है या नहीं है। तो अभी मिस्टर एक्स एक्चुअली 2 साल पहले उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी से 40 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया था, 38 सैटेलाइट गॉट लॉस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बिकॉज क्या होता है उसमें सोलर एक्स स्टॉर्म आया था, डायरेक्टली वो सैटेलाइट को इफेक्ट नहीं किया, बट इंटरप्लैनेटरी स्पेस में जो जाने के लिए आपका ड्रैग होता है, आप जैसे समझ सकते हैं कि आप नदी में आप कुछ पत्थर फेंका तो पत्थर कितने दूर जाएगा वो डिपेंड करता है कि नदी का स्रोत कैसा है, राइट? तो ये जो सन से ये स्टॉर्म आता है वो एनवायरमेंट को इतना बदल दिया कि जो सैटेलाइट को 400 किलोमीटर जाना था लोअर अर्थ ऑर्बिट में वो जा ही नहीं पाए। सो ही लॉस्ट 38 सैटेलाइट्स। Of course, he lost 1 billion of that order. Hopefully, he will get few million plus for space weather prediction. So, yeah, space weather is a very, very new subject, and इसके लिए हमारा अपना अदित्य मिशन हमको dedicated काम करने वाले हैं. Next, there is also another big change in the case of the sun is हमने अभी ये जो देखा है कि सन का magnetic field का थोड़ा-थोड़ा change. यहाँ पे मैंने जो plot किया है last 400 साल में सन का मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए सन स्पॉट होता है। आप देखेंगे सन का फोटो देखेंगे तो उसमें कुछ दिन सन स्पॉट होता है, कुछ दिन सन स्पॉट नहीं भी होता है, वो एक अल्टरनेट बिहेवियर है उसका। तो 400 वर्ष साल का आपने सन स्पॉट नंबर प्लॉट किया तो देखेंगे कब सन स्पॉट नंबर कभी ज्यादा होता है उसको सोलर मैक्सिमम होता है, जब सन स्पॉट नंबर बहुत कम होता है उसको सोलर मिनिमम होता है। और ये जो साइकिल है ये टिपिकली 11 साल का होता है, पर आप देख सकता है कि ये 11 साल में थोड़ा फर्क हो सकता है, कभी 12 भी हो सकता है, कभी 13 भी। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी साइकिल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट 100 इयर्स में 1957 में एक साइकिल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल मतलब बहुत तरह का सोलर स्ट्रॉन्ग है, तो और भी मुश्किल हो जाएगा। और थैंकफुली नाउ द साइकिल इज मच वीकर, बट इफ आई गो बैक टू 300+ इयर्स There was a period 1650 to 1700 में सनस्पॉट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। उसका क्या असर हुआ था? यूरोप में बहुत ठंड हो गया था। The Volga River, which flows almost across Europe, 40 साल वो पूरा बर्फ हो गया था। So that corresponds to mini ice age. So basically,
सोलर जो रेडिएशन वही हमारा लाइफ देता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सोलर रेडिएशन कम हो जाएगा तो हमारा काफी परिवर्तन होने का संभावना है। आज ग्लोबल वार्मिंग की जो बात कर रहा है वो ग्लोबल कूलिंग का इफेक्ट भी हो सकता है, तो ज्यादा सन एक्टिव हो जाएगा तो और भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑल्सो। सो एक तो क्या शॉर्ट टर्म वेरिएबल भी जो दिन ये एक दिन में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, और ये है कि सालों में और मिलियन ऑर्बिट मिशन ऑन 2006 we had a meeting in Bangalore, I presented some stuff to ISRO people, then it was a single coronagraph, this artificial eclipse ka jo wo accept hua tha 2009, then 2013 ye Mangalyaan mission ka aas paas mein jab hum we were doing much better, to you are now professor, you are the chairman of the advisory committee, wo aake bol rahe aap aisa chota chota kyun step de rahe hain, a big क्यों सोच नहीं सकता है, तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते ये क्या बोल रहे हैं। बिग का मतलब क्या है, बोलता है कि आप लैग्रांजियन पॉइंट क्यों नहीं जाते हैं। लैग्रांजियन पॉइंट पे इज 1.5 मिलियन किलोमीटर एंड दिस इज ओनली 400 टू 700 किलोमीटर। सो यू सी इंडिया स्टार्टेड थिंकिंग बिग रियली रियली ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक एंड दैट इज अ फ्रूट वी आर एंड विद इन 6 मंथ्स यू वोंट बिलीव एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन यहाँ पे चंद्रयान का 2 हफ्ते बाद हमारा मिशन लॉन्च हुआ था, तो ये इट्स अनथिंकेबल व्हाट इज द एफिशिएंसी विद व्हिच इसरो इज वर्किंग। मूवी इस पे थोड़ा ऑडियो है ना, जस्ट गो बैक एंड प्ले दिस मूवी। जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and Aditya L1 0, which is between the sun and earth line. So the advantage is that if you are going to reach here, then always 24/7, 365 days, almost at least 10 years you can see. Although the nominal period is says 5 years. पर हमको बोला गया है कि ये जो लॉन्च का जो भी ट्रैजेक्टरी था ये इतना सक्सेसफुली दे हैव बीन एबल टू डू इट, वी हैव लॉट्स ऑफ फ्यूल लेफ्ट। सो वी जो डंडा को जो लोग फेंकते हैं हम लोग ऐसे घुमा घुमा के फेंकते हैं, तो दिस इज वेरी यूनिक विच इज इंडियन स्टाइल। नासा डजंट डू दैट, नासा हैज अ पावरफुल इंजन, दे स्टेट दे सेंड इट, सो दिस इज मच चीपर वे ऑफ सेंडिंग दिस। द क्रूज फेज इज अबाउट 100 डेज एंड देन देयर वाज अ इंसर्शन देयर। Play some next slide please. So this is the first signal which we got from on September 10. As early as September 10 we on the cruise phase also हम लोग ये जो insertion हुआ था 6 January आप लोग news में सुने होंगे, because ये भी बहुत ही crucial एक maneuver था, because आपको देखिए ये imaginary point है Lagrange 1 जहाँ पे पहुँचना है, जिसके पास में आपको घूमना है। मार्स के लिए भी एक क्रूशियल मैनूवर था, बिकॉज आपको मार्स का ग्रेविटी में आना था, यहाँ पे और भी मुश्किल था बिकॉज उसमें ग्रेविटी कुछ है ही नहीं, तो दैट मींस यू हैव टू प्रिसाइसली स्लो डाउन एंड मेक दैट डाइव एंड देन मेक ए ऑर्बिट। वेरी नाइसली दे डिड इट, इट्स वन स्टडी ऑफ द सन विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC स्टडीज द सोलर कोरोना एंड डायनामिक्स ऑफ कोरोना मार्स इजेक्शंस। द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SURT payload images the solar disk for Aditya. Papa payloads study the solar wind and energetic ions as well as their energy distribution. The solar low energy X-ray spectrometer, SolNexus, and the high energy L1 orbiting X-ray spectrometer, Helios, study the X-ray flares from sun over one energy range. The magnetometer payload is intended to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. The science payloads of Aditya L1 are indigenously developed by different laboratories in the country. VELC is developed at the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, suit instrument at Inter University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune. Aspects instrument at Physical Research Laboratory, Ahmedabad. Papa payload and space physics laboratory, Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram.
So let's just and helium space.